चलिए बढ़ते हैं आगे। बात सीतामढ़ी की, जहां एक हैवान शख्स ने अपनी पत्नी और दो बच्चों की बेरहमी से कत्ल कर दी। घटना बाजपट्टी थाना क्षेत्र के आयापुर गांव की है, जहां कमलेश चौधरी नाम के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी, 12 साल के बेटे और एक दुधमुही बेटी की टांगी से काटकर उसकी हत्या कर दी। ग्रामीणों ने आरोपी पति को पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। घटना का कारण अभी जो बताया जा रहा है, आपसी कलह बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। तो सीतामढ़ी में ट्रिपल मर्डर से पूरा इलाका दहशत में है। सीतामढ़ी में एक हैवान ने अपनी ही पत्नी और दो बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी, टांगी से इन तीनों की हत्या कर दी। बताया ये जा रहा है कि आपसी कलह की वजह से उसने अपने दोनों बच्चों और पत्नी की हत्या की है। गांव वालों ने उसे, उस हत्यारे को पकड़ लिया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और इस घटना के बाद से सीतामढ़ी में सनसनी है। और निशांत हमारे संवाददाता सीतामढ़ी से जुड़े हुए हैं। क्या इस पूरे मामले में अभी तक कार्रवाई हो रही है, क्या पुलिस बता रही है? अभी घटनास्थल पे जाने के बाद मैंने ये देखा है कि जो आरोपी है वो फिलहाल पुलिस के कस्टडी में है, कमलेश्वर चौधरी। कमलेश चौधरी, ग्रामीणों ने उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया है। जो वहाँ पे मौजूद लोग थे उन लोगों ने बताया कि रात में तकरीबन 3 बजे के आसपास उसने पहले कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी को मार डाला, उसकी उसके गर्दन को भी काट के अलग कर दिया। उसके बाद फिर उसने तकरीबन 10 साल का बच्चा है उसको भी उसने टेंगारसी मार करके उसकी हत्या कर दी। इसी बीच एक 2-2.5 महीने की एक छोटी सी बच्ची थी उसको भी उसने कुल्हाड़ी से वार करके उसकी भी हत्या कर दी। उसके 2 बच्चे और जो उस वक्त उसी कमरे में थे, उस बच्चों ने उससे बोला कि मैं इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। तब उसने उस दोनों बच्चे, एक बेटा और एक बेटी जो वहां मौजूद था, दोनों लगभग 8-9 साल के हैं, जिसको उसने छोड़ दिया। फिलहाल पुलिस के कस्टडी में वो है, पुलिस ने उसको अपने कस्टडी में ले लिया है। और घटना स्थल के पास से एक उसकी पत्नी का शव, एक 10-12 साल का जो बच्चा है उसका शव और एक 2-3 महीने के जो बच्चे, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभी सीतामढ़ी एसपी बाजपट्टी थाने पे जस्ट आए थे, उन्होंने तहकीकात के क्रम में जो देखा है उसमें एक हथियार जो कुल्हाड़ी से और हसुआ से जो काटा गया था वो सारा बरामद किया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आरोपी को गांव वालों ने पुलिस के हवाले कर दिया है, पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है।